नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। खबर प्रयागराज से। 257 विधानसभा प्रतापपुर में अपना दल से कैप्टन करण सिंह को टिकट न मिलने पर समर्थकों में मायूसी छाई हुई है। वहीं हजारों की संख्या में समर्थकों ने कैप्टन करण सिंह के निजी आवास पर पहुंचकर कैप्टन करण सिंह जिंदाबाद, अनुप्रिया पटेल मुर्दाबाद का नारा लगाया। वहीं पर समर्थकों ने कैप्टन करण सिंह को साहस देते हुए कहा कि हम कैप्टन करण सिंह को जानते हैं, न कि किसी पार्टी को। अगर आप निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तो प्रतापपुर की जनता आपको लखनऊ विधानसभा में भेजने का काम करेगी। वहीं पर कैप्टन करण सिंह ने कहा कि जो जनता का निर्णय होगा मैं उसी रास्ते पर चलूंगा। पार्टी ने मेरे साथ जो धोखा किया, प्रतापपुर की जनता जागरूक है, वह अपने सुख दुख में काम आने वाले नेता को जानती है। प्रतापपुर का दुर्भाग्य है कि जो इतने सालों से पार्टी के लिए मेहनत करता रहा उन्हें छोड़कर दूसरे विधानसभा से लाकर प्रत्याशी को उतारा है। प्रतापपुर की जनता इसका जवाब बखूबी देगी। आइए बात करते हैं कैप्टन करण सिंह से। टिकट नहीं देकर बाहरी प्रत्याशी को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया, उसके बारे में क्या कहना है आपका? इस बार प्रतापपुर मैं ये नहीं कह रहा हूँ, केवल मेरी मांग है। जितने भी आवेदक साथी थे जिन्होंने तैयारी करी थी पिछले एक वर्ष, दो वर्ष या चार वर्षों में, प्रतापपुर की जनता यही मांग रही थी कि इस बार हमें कोई भूल नहीं करनी है। क्षेत्र से जो भी आवेदक साथी आ जाए उसको आप टिकट देकर। तो ये प्रतापपुर का अपमान है कि जनता का अपमान है या आपका अपमान है? नहीं, ये मेरा व्यक्तिगत अपमान नहीं है। देखिए, अब पार्टी की सोच है, पार्टी की जो विचारधारा है, उसमें क्या कर सकते हैं। तो आगे की रणनीति क्या होगी आपकी? आगे की रणनीति, अब जितने मेरे समर्थक हैं, जितने मेरे गार्जियन हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं जिनका आशीर्वाद और स्नेह मेरे साथ निरंतर 2012 से बना है, क्योंकि देखिए अभी उनके मान और प्रतिष्ठा की लड़ाई है, क्योंकि जो प्रत्याशी उन्होंने भेजा है शायद उनको कोई एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। तो जैसे हमारे गार्जियन, बड़े बुजुर्ग और सभी सम्मानित लोग आदेश करेंगे। हजारों की संख्या में समर्थक आप घर पर आए हैं और आपको चुनाव लड़ने का सलाह दे रहे हैं जी, इसके बारे में क्या कहना है? इसका फैसला मैं आपको बहुत जल्द। आपका टिकट ना होने का कारण कोई? इसमें कारण देखिए, हम लोग को एग्जाम देते हैं, कौन पास होगा कौन फेल होगा इसका निर्णय तो पार्टी करेगी। पर ऐसा नहीं है कि प्रतापपुर से कोई अच्छे आवेदक नहीं थे, चाहे भारतीय जनता पार्टी कह लीजिए, चाहे अपना द लेस कह लीजिए, इतने आवेदक प्रतापपुर विधानसभा से ही थे, वो इसी क्षेत्र से बिलोंग करते थे। नहीं, आपने एक बात कही, आपने कह देना करण साहब, आपने एक बात कहा कि छत्री होना गुनाह है क्या जी? नहीं, मुझे तो यही रीजन बताया गया कि आप छत्री हैं और छत्री को यहाँ से लड़ाया नहीं जा सकता। आप जो भी पार्टी का समीकरण रहा हो, यह चीज पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता। प्रयागराज से संवाददाता अश्वनी कुमार की खास रिपोर्ट।